तीनों का बहुत बढ़िया काम है इस मूवी में, बहुत अच्छा है। लेकिन तब्बू का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था। बट करीना कपूर इज माई फेवरेट, तो आई वुड प्रिफर करीना कपूर। करीना खा गई सबको। काफी कृति सैनन और तब्बू को आप लगातार मूवीज में देख रहे हैं, लेकिन इस बार अगर आप करीना का कुछ नया देखना चाह रहे थे या करीना की वापसी चाह रहे थे तो वो उन्होंने की है, तो ऑलवेज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हिस्ट्री बढ़िया है, करीना कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसका रोल भी थोड़ा ज्यादा बिटी और अच्छा था। करीना के एक्सप्रेशंस ना पुराने वाले, जो मजेदार कहते ना चुटकीले वाले, जिनकी जिस अदाओं के लिए वो जानी जाती है। करीना कपूर और तब्बू काफी टाइम बाद स्क्रीन में देख के अच्छा लगा। एकता कपूर स्टाइल पिक्चर है, जिस तरीके से एकता कपूर बना रही है पिक्चर है उसी अकॉर्डिंग इस पिक्चर को भी। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं जिस मूवी का फर्स्ट शो पब्लिक रिव्यू करने आया हूँ उसका नाम है क्रू, जिसमें करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सैनन मेन लीड रोल में है। पोस्टर में भी आपने देखा होगा इन तीनों का ही चेहरा बना हुआ है। सो बस अब जल्दी से जनता बाहर निकले, उनसे जानेंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी है। एंड तक देखना इस पब्लिक रिव्यू को, लाइक कर देना, कॉमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, इस फिल्म में कपिल शर्मा और दिलजीत भी हैं स्पेशल अपीयरेंस में, तो देखते हैं उनके बारे में भी लोग क्या कहते हैं। छोटी पिक्चर थी, कम आवर्स की थी, अच्छी लगी पिक्चर। करीना कपूर है इसमें, काफी टाइम बाद दिखी है, तब्बू है, कृति सैनन है, कपिल शर्मा है, दिलजीत है, कैसा लगा काम? कपिल शर्मा इतना ज्यादा रोल था नहीं, दिलजीत का भी इतना रोल नहीं था, लेकिन तीनों का, करीना का, तब्बू का और उसका रोल अच्छा लगा तीनों का। पांच में से 4 स्टार। चीरी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा। करीना कपूर काफी टाइम बाद आई है, कैसी लगी? बहुत अच्छी, दोनों हीरोइन से ज्यादा जवान और अच्छी लग रही थी। तब्बू भी है, तब्बू कैसी लग रही? बहुत ठीक थी, मतलब एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी करी थी। आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 ठीक थी। अच्छी लगी फिल्म, अच्छी थी, गुड गुड। करीना, तब्बू और कृति कैसे लग रहे हैं? तीनों ही अच्छी है, अच्छी लग रही है। और कपिल शर्मा भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अपना करते ही है, अच्छा रोल ज्यादा नहीं था लेकिन छोटा ही था उनका, ठीक था। आउट ऑफ 5 गुड, इट्स गुड मूवी। हां, करीना खा गई सबको। काफी टाइम बाद आई है और कैसा लग रहा है उनका काम? इस मतलब कि इट्स गुड मूवी और करीना इज लाइक कि मतलब कृति भी गुड है, तब्बू भी अच्छी है, बट करीना इज लाइक चिलफुली, वो जो एक फन एलिमेंट जो होता है ना मूवी में वो ऐड किया है। कपिल शर्मा कैसे लग रहे हैं? अच्छा थोड़े से रोल किया, ओके जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था, मतलब इतना बड़ा उनको तो रोल नहीं दिया गया, लेकिन दिलजीत इज गुड। आउट ऑफ 5 आई वुड गिव 3.5। कैसी लगी मैम? अच्छी है, ठीक है, हिलेरियस है, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, बढ़िया है, अच्छी है। करीना, तब्बू और कृति का केमिस्ट्री कैसा लगा? तीनों का केमिस्ट्री बढ़िया है, करीना कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसका रोल भी थोड़ा ज्यादा बिटी और अच्छा था। अच्छा लगा। कपिल शर्मा कैसे लग रहा है थोड़े से रोल में? कपिल शर्मा तो इन तीनों के आगे जमे नहीं। आउट ऑफ 5 अरे मैं क्या बता दो, मैंने तो 4 दिया है। देखिए, सटायर भले ही विजय माल्या पे था, क्योंकि एयरलाइंस के मालिक वो भी थे और एयरलाइंस में ही फिल्म थी, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये तीनों की उड़ान बहुत अच्छी थी। हालांकि विजय माल्या की उड़ान ज्यादा नहीं चली, मुझे लगता है कि इन तीनों की उड़ान जरूर उड़ेगी और बॉक्स ऑफिस पर आप इनकी उड़ान का आनंद ले सकेंगे। करीना का काम कैसा लग रहा है? काफी टाइम बाद देखिए, करीना के एक्सप्रेशन ना पुराने वाले, जो मजेदार कहते ना चुटकीले वाले, जिनकी जिस अदाओं के लिए वो जानी जाती है, वही अदाएं, वही एक्सप्रेशन आपको ना उनकी गीत की याद आ जाएगी। और कहते ना कि वो एक्सप्रेशन जो कि उनकी जो फिल्म, अभी हम आपने काफ़ी इंटरव्यूज देखे होंगे, उनको अच्छा लग रहा था कि उनकी गीत की बातें होती हैं और उन्होंने उस गीत को वापसी किया है अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्टिंग से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि करीना ने अपने आप का कमबैक किया। आउट ऑफ 5 3.5। व्हाट अबाउट कृति एंड तब्बू? देखिए, कृति सैनन और तब्बू को आप लगातार मूवीज में देख रहे हैं, लेकिन इस बार अगर आप करीना का कुछ नया देखना चाह रहे थे या करीना की वापसी चाह रहे थे तो वो उन्होंने की है। कृति और तब्बू की बहुत सारी फिल्में आप अभी देख चुके हैं तो आप उतना उनको जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लगातार अच्छी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन करीना का कमबैक है, करीना जितना ग्रेट जॉब है। मूवी बहुत अच्छी है, ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी वाली मूवी बहुत दिनों बाद आई है, अच्छी लगी। करीना का कमबैक है, कैसा लग रहा है? करीना तो ऑलवेज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी।
अच्छा कपिल शर्मा भी हैं थोड़े से रोल में हैं, कैसा लग, कैसा करा उन्होंने का? छोटा रोल है लेकिन हाँ अच्छा रोल है। दिलजीत कितना मजेदार है। आउट ऑफ 5 4 क्रू कैसी लगी? अच्छी लगी और करीना कपूर और तब्बू काफी टाइम बाद स्क्रीन में देख के अच्छा लगा। एकता कपूर स्टाइल पिक्चर है, जिस तरीके से एकता कपूर बना रही है पिक्चर है उसी अकॉर्डिंग इस पिक्चर को भी बनाया गया है। करीना कपूर, तब्बू और कृति, इनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत जबरदस्त लगी केमिस्ट्री। और तब्बू तो पहले भी करिश्मा कपूर के साथ काम कर चुकी है और इस बार भी छोटी बहन के साथ काम करा है तो केमिस्ट्री रियल है और दोनों पर्दे पर अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 मैम कैसी लगी आपको? मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग है। अच्छा इसमें करीना कपूर, तब्बू और कृति तीनों का आपको काम कैसा लगा? तीनों का बहुत बढ़िया काम है इस मूवी में, बहुत अच्छा है। लेकिन तब्बू का भी बहुत ज्यादा अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था। बट करीना कपूर इज माय फेवरेट, तो आई वुड प्रेफर करीना कपूर। आप कैसे कहना चाह रही हैं करीना कपूर की वजह से लोग इस फिल्म को देखना जरूर आए? यस। आउट ऑफ 5 कपिल शर्मा भी हैं फिल्म में और दिलजीत भी हैं, उनका काम कैसा है? इनका भी काम बहुत अच्छा है। वैसे दिलजीत दोसांझ इज आल्सो अ वेरी नाइस एक्टर, तो उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। रेटिंग आउट ऑफ 5 5 बिकॉज ऑफ करीना कपूर।